नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। सरस्वती नगर में निवासरत सुनील जायसवाल के घर में उसकी बेटी के जन्मदिन की तैयारी चल रही थी कि सुनील जायसवाल ने अपने ही पुत्र को मारने की अमानवीय घटना को अंजाम दे दिया। इस घटना को लेकर लोगों में काफी चर्चा का विषय है। चर्चा इस बात की है कि ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि एक पिता को अपने ही जिगर के टुकड़े को वेन गंगा नदी के पानी में झुककर बेदर्दी से मौत के घाट उतारना पड़ा। पुलिस भी इस घटना से हैरान है। पुलिस की माने तो अपने पुत्र की मौत को घाट उतारने के बाद उसके पिता सुनील जायसवाल घर जाने के बाद कोतवाली थाने में पुलिस को खुद ही घटना की सूचना देने पहुंच गया। कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सुनील जायसवाल ने घर के 29 मई को उसकी बड़ी बेटी का जन्मदिन था। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। आज दिनांक को दोपहर करीबन 2-3 बजे के आसपास सुनील जायसवाल, उम्र करीबन 50 वर्ष, निवासी सरस्वती नगर, उसके छोटे भाई सुजीत जायसवाल के साथ थाने पर आया और उसने बताया कि उसने अपने बेटे प्रतीक जायसवाल, जिसकी उम्र करीब 8 वर्ष है, छोटी वैनगंगा नदी के पुल में ले जा करके पानी में डूबो कर हत्या कर दी। तो द्वारा दी गई सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और संदिग्ध सुनील जायसवाल आरोपी को बताया अनुसार घटनास्थल की तस्दीक की गई, जहां पर आरोपी सुनील जायसवाल का बेटा प्रतीक जायसवाल की बॉडी नदी के अंदर से निकाली गई और जो मृत अवस्था में थी, जिसका प्रथम दृष्टया देहाती नाल से मार्गेंटी नेशन लेक किए हैं, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करा करके अपराध पंजीबद्ध किया गया है।